कविता कौशिक और निकी तंबोलिप काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब से वो वापस लौटी हैं, तब से निकी के साथ ही मोस्टली टाइम स्पेंड कर रही है, उनसे ही बातचीत हो रही है। अब इसी में निकी और कविता अपना एक चिटचैट सेशन भी रख रही हैं। जी हाँ, घर वालों के बारे में बातचीत करती हुई नजर आई हैं ये दोनों सखियाँ। दरअसल यहाँ पर निकी जान के बारे में बात कर रही होती है कि जान बहुत भोला है, हर बार हर किसी के बहकावे में आ जाता है और उसे कोई अपना दोस्त मानता ही नहीं है, बस उसका इस्तेमाल करता है। ये जैस्मीन इसको अपना दोस्त बोलती है और हर बार इसको नॉमिनेट कर देती है, ये बोलते हुए कि बहुत अच्छा है, भोला है, ये कोई तरीका होता है, लेकिन वो पागल है, जाता है और उन्हीं लोगों के पास बैठता है उन्हीं के ग्रुप में। तो वहीं यहाँ पर कविता कौशिक कहती है कि ये जो लोग है ना, बहुत ही ऐसे है, मैंने तुमको कितनी बार बताया है, ये तुमको ट्रिगर करेंगे ऐसी चीजें बोल के। और एजाज बोलता है ना कि ये मेरी चीजें ट्रिगर पॉइंट है, मेरा शोल्डर, मुझे ये कहना वो कहना। और जब वो टास्क हो रहा था उसमें वो ट्रिगर पॉइंट क्या बोल रहे थे मुझे, कि मैं 20 साल पुरानी हूँ। अरे भाई, मेरे लिए फकर की बात है कि मैं 20 साल पुरानी हूँ और अभी तक टिक रही हूँ इंडस्ट्री में। 20 साल का करियर किसी लड़की का नहीं होता है और मेरा अभी भी कंटिन्यू है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और बोलो ताकि लोगों की निगाहों में आऊं मैं। मुझे इन सब चीजों से ट्रिगर नहीं होता है, मेरे लिए तो बड़ी फकर की बात है ये सब चीजें। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इजीली इसे वूट सेलेक्ट वूट पर देख सकते हैं। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर, कटलेस, अनसीन, अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।